सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहले गृहस्थी जो होते थे, गृहस्थियों के घर में 5 यज्ञ यो रोज होते थे। 5 यज्ञ हमारे गाय के लिए भोजन देना, अग्नि में सुहा करना, चींटियों को देना, मछलियों को देना, अतिथि को भोजन कराना, ये गृहस्थियों की यहाँ 5 यज्ञ रोज होते हैं, होने चाहिए, होते थे, लेकिन सब भूल गए। अगर घर में चूल्हा है तो कोई बात नहीं बहनों, उसी चूल्हे पर ही थोड़ा सा भोग लगा करके उसको रख दो ना, फुलका को। अरे कोई मांगने वाला आए अतिथि, उसको देना चाहिए। चींटियों के लिए कहीं जाकर के थोड़ा सा डालना चाहिए, मछलियों के लिए देना चाहिए, गऊ ग्रास निकालना चाहिए। 5 यज्ञ करने से, रोज यज्ञ है, आपको स्वाहा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बैठ करके इंद्रा ये स्वा, यमा ये स्वा, वरुणा ये स्वा नहीं करना। आपके घर से 5 यज्ञ तो रोज हो ही गए, इसलिए तो कहते हैं धन्यम गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम धन्य होता है, परम धन्य होता है गृहस्थाश्रम। बड़े अरे संतों की, महापुरुषों की तो क्या कहें, परमात्मा को अवतार जब लेना होता है तो किसी ग्रस्त दंपति का ही सहारा लेके परमात्मा प्रकट होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। नंद बाबा ग्रस्ती थे, माँ यशोदा के हैं, वसुदेव जी ग्रस्ती थे, दशरथ जी महाराज ग्रस्ती थे कि नहीं थे। परमात्मा तपस्या की अलग विषय, पर परमात्मा किसी बाबा जी के पास नहीं आया, परमात्मा संत के ग्रस्त के पास आया, क्योंकि धन्यम गृहस्थाश्रम, इसलिए तो गृहस्थाश्रम को धन्य बोलते हैं।